सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग में। फिलहाल आज है संडे और कल खुश भाई की तबीयत थोड़ी वीक थी, सो अभी भी थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हो रही है, अच्छी हो रही है पहले से, क्योंकि जी तो सुबह सुबह वो बाहर मुझे उंगली पकड़ के बोल रहा है नीचे ले जाओ, नीचे घुमाने ले जाओ। फिलहाल 8 बज गए हैं लेकिन हम सो ही रहे थे क्योंकि रात को भाई ने सोने नहीं दिया था, नींद अभी भी आँखों में भरी है। अभी यहाँ बाहर घुमाने लाया हूँ, थोड़ा हवा फ्रेश हो मिले और यहाँ थोड़ा पक्षी है और जानवर है, देखे सबको मजे करेगा। कि मंदिर है, मंदिर क्या है, खुश को सुला दिया है, धीरे धीरे मस्त नींद ले रहे हैं वो आराम से। और हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे, कीर्ति गर्मा गर्म नाश्ता बना रही है, नाश्ते में है आज के जबरदस्त गर्मा गर्म भाखरी दे रही है। वाह, गुजराती का सबसे फेवरेट खाना होता है भाखरी, और उसमें ओरिजिनल घी हो काम हो गया। और आम का अचार है, साथ में दूध और चाय दोनों मिक्स करके हम लेते हैं। आम का अचार खुश की नानी ने भेजा है तो अभी खाते हैं। अभी नाश्ता कब से नहीं किया था, ये भाखरी चाय वाला, साथ में टीवी देख रहे। गाइस 10 बज गए हैं और अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस पे, बहुत सारे लोगों को मिलना है, अपॉइंटमेंट भी है और आज एक थोड़ा इवेंट पर्सन टाइप है थोड़ा, क्योंकि जो हमारे साथ यूपी में आए थे उनका नाम तो प्रवीण है लेकिन हम लालू बोलते हैं, और उनको लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं। सो मुझे भी बोला है कि आप भी आना, अभी जा रहा हूँ। 10-15 मेहमान हैं आमने सामने तो थोड़ा मिलेंगे जुलेंगे, और बाकी आवाज़ की अपॉइंटमेंट है, संडे है इसलिए बहुत सारे लोग अदर अदर जगह से मिलने के लिए आने वाले हैं तो उनको भी मिलना है, बहुत सारा कामकाज है। और खुश की तबीयत अभी धीरे धीरे सही हो रही है तो अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ वरना तो मैं जाता ही नहीं। तो गाइज यहाँ पे अग्रवाल की समोसा कचौरी फेमस है तो वो लेने के लिए आया था, और अभी मेरे को थोड़ा काम काज बाकी करना पड़ेगा। अभी पेड़ा लेने जाना है, काजू कतरी भी मेरे को लेना जाना है क्योंकि अभी कोई है नहीं, तो मेरे को थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा। समोसा कचौरी ले लिया है गाइज, यहाँ से पेड़ा भी ले लिया, अभी जल्दी फटाफट जाना है और सामान देना है। सारे मेहमान आ गए हैं, अभी सब बातें चीतें करने में लगे हैं और एक दूसरे का चेहरा देखने में लगे हैं, बहुत ही मजा आ रही है भाई। लड़का लड़की भी देखो आमने सामने बैठे, ये हैं लड़का और लड़की। तो यहाँ पे नाश्ता की शुरुआत हो चुकी है, आज वैसे अनुपमा का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अनुपमा। सो आज तो पार्टी बनती है, अब ये पार्टी नहीं है भाई, पेड़ है निकाल निकाल के। अनुपमा फुल फॉर्म में आज तो पार्टी जश्न मनाने वाली है नाइट में। बाकी सारे मेहमान अभी बैठे हैं, ग्रीन वाली दुल्हन है, ये हमारे लालू साहब यहाँ बैठे हैं। जबरदस्त पिलाया जा रहा है और अच्छे से सब अभी हीरो हीरोइन बात कर रहे हैं, देखिए जबरदस्त। हाँ, और
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सो गाइस जबरदस्त हो गई है फाइनल डन और बहुत ही अच्छा लग रहा है फिलहाल, सभी लोग प्यारे प्यारे लग रहे हैं और हमारे लालू भैया एक से दो होने जा रहे हैं, जबरदस्त। सो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे 1 2 3 के साथ, 1 2 and 3 कॉन्ग्रेचुलेशन। तो गाइज आज अनुपमा का बर्थडे है, सो उसके लिए एक छोटी सी गिफ्ट लेने आया हूँ, अभी वहाँ जाके देंगे और पता चलेगा क्या है, अभी मैं नहीं आपको बताऊंगा, देने के बाद आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आज है अनुपमा का बर्थडे, छोटी सी प्यारी सी गिफ्ट है, तो अनुपमा जल्दी फटाफट खोलेगी क्या है और हम भी देखेंगे, आप भी देखना, और इसकी पार्टी अभी बाकी रहेगी, थोड़ा सा क्लोज अप लीजिए। थैंक यू सर, बहुत क्लोज है, अमेजिंग है। तो आ जाइए घर में, मैं इनके लिए कल लेके आऊंगी। नहीं ऐसा क्या, मम्मी केक तो नहीं काटी हो। वाव, आज नई वॉच नया पर्स सब पहन के जाएंगे। तो भाई हमारी भी एक बड़ी वाली दीदी है, आपने देखा होगा ब्लॉग में, सो सेम हमारी ये भी एक दीदी है, अभी नई नई बनी है, सो हम उनको, लेकिन ये अनुपमा है और इसका नाम ही हमने अनुपमा रख दिया है। थैंक यू। उल्टा हाथ है, इधर हो जाए। सो इनकी पार्टी, बर्थडे पार्टी हमारी बाकी है और वो हम कभी भी मांगेंगे और कहीं पे भी हम मांग लेंगे, अभी नहीं मांगेंगे, जब हमारा टाइम आएगा तब मांगेंगे और आप उनके साक्षी रहोगे सारे ऑडियंस, ठीक है। इनकी पार्टी अभी हम लेंगे ही नहीं, बाद में लेंगे। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी बर्थडे। केक उधार है, पार्टी भी उधार है और ये खाली चॉकलेट ट्राई कर रहे हैं। ये कौन ला रहा है? मम्मी और क्या कर रहा है? तू मार ऐसे खींची पड़ी हुई थी, हम आपको नहीं कह रहे, मामा मम्मी को कह रहे हैं। तो इससे पहले तो नहीं बोला, हमारे आदित्य ने बोला। अरे ना बात कर सकती हूँ आपको, हम क्या कर रहे हैं, हम तो बोल मम्मी ने रहे हैं, हम तो देखी ना क्या बोल रहे हैं। अरे बोलिए, गाइज अभी मैं घर पे आ चुका हूँ और खुश की तबीयत थोड़ी वीक है और बहुत सारा वहाँ पे एंटरटेनमेंट किया, लेकिन खुश की अभी तबीयत धीरे धीरे वीक है, तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और उनको दिखाना भी पड़ेगा, तो आगे पता चलेगा क्या होगा। सो आई थिंक अच्छा ही होगा, वैसे कुछ तकलीफ नहीं होगी ज़्यादातर, लेकिन अभी वॉमिट भी ज़्यादा हो रही, क्लिंजिंग भी उनका ज़्यादा हो रहा है, अभी फिलहाल सो रहा है। सो आपको कल पता चलेगा कि क्या होगा, हॉस्पिटल पे ले जाना पड़ेगा कि नॉर्मल उनको हेल्थ अच्छा हो जाए तो सही है। फिलहाल आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करना चाहूँगा, आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल पे नहीं आए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते गए जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, सी यू।